रहा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जीव और उसकी जो कहानी है वो पुरंजन और पुरंजनी इस उपाख्यान के द्वारा हमको नारद जी ने बताई और उसमें ये बता दिया किस प्रकार से यह जीव जो असल में ईश्वर स्वरूप है इस प्रकृति के साथ अपने को बांध लेता है और परिच्छिन्नता स्वीकार करके भी होता है, कर्मों के चक्कर में फंसा रहता है और फिर उसकी कर्म में इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि मानो कर्म के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होना है। ऐसी बातें हम सुनते हैं एक विचार मन में आता है ठीक है हम सब छोड़ देंगे, छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, छोड़ना है कर्तृत्वाभिमान। कर्म छोड़ना और कर्मों के साथ जुड़ा हुआ कर्तृत्वाभिमान छोड़ना, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। यदि हम कर्म छोड़ करके बैठेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि दिमाग में भूत बंगला शुरू हो जाएगा। जितने लोग रिटायर हो जाते हैं और यदि उनके सामने दूसरी एंगेजमेंट की कोई बात ना हो तो केवल दिन भर घर में बैठे रहना इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए इससे निकलने का उपाय क्या है? उपाय ये है जो कार्य कर्म हम कर रहे हैं वो वैसे ही जारी रहे, उसमें कोई फर्क नहीं। केवल कर्म करने के पीछे की जो एटीट्यूड है वो हमको बदलनी है। पहले हम स्वार्थ से प्रेरित होकर के करते थे, अब वही कर्म साधना की दृष्टि से करें। वही कर्म साधना की दृष्टि से करना माने क्या? माने अपने अंतकरण के शांति को उसी कर्म के साथ रहते हुए भंग नहीं होने दें। यदि ये कर पाए तब हमारा कर्मयोग सिद्ध होगा, अन्यथा हम एक जगह से जाकर के दूसरी जगह में जाकर के सुख प्राप्ति की इच्छा करेंगे। वैसी ही जैसे कोई एक व्यक्ति ऐसी कल्पना करे कि एक सपने में वो दूसरा सपना देख रहा है तो दोनों सपने ही हैं, तो एक सपने में से निकल करके दूसरे सपने में जाने के बाद दुख की निवृत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से हम सोचते हैं हम आजकल ये कर रहे हैं इसको छोड़ करके वो करेंगे तो ये एक सपने में से दूसरे सपने में जाने की जैसी बात है। जब तक के हम उस सपने से बाहर नहीं निकल आते तब तक के स्वप्न की निवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार से कर्म के कारण हम इस जागृत अवस्था के सुख दुख को प्राप्त है, तो जब तक के कर्म से छुटकारा नहीं होगा तब तक के हमारे ये दुख की निवृत्ति नहीं होगी। तो कर्म से छुटकारा पाना माने कर्म के साथ जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका त्याग करके जो जो कर्म हो रहे हैं उसके द्वारा परमात्मा की ही आराधना हो रही है, इस भाव को जागृत करो। अब देखो जब ये भाव जागृत हो जाता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा भगवान की आराधना कर रहे हैं तो ये बातें होती है। पहली बात, कर्म करते हुए भी व्यक्ति ऊब नहीं जाता। जैसे कोई नौकरी के लिए भगवान की पूजा कर रहा हो, मंदिर में उनको अपॉइंटमेंट दे दिया कि आप यहाँ के पुजारी हो, और दूसरा व्यक्ति है जो भगवान की पूजा अपने घर में कर रहा है क्योंकि वो भगवान का भक्त है, तो इन दोनों की पूजा करने में बहुत फर्क है। जो नौकरी के लिए पूजा करता है उसके लिए वह पूजा बन जाती है साधन अपने पेट पाने का, और जो भक्त भगवान की पूजा करता है अपने ही हृदय के शांति के लिए वहाँ परमात्मा का चिंतन नित्य बना रहे। इसलिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं उन्हीं कर्मों के साथ रह करके यदि हम अपनी एटीट्यूड चेंज करेंगे तो धीरे धीरे कर्म का बंधन शिथिल होगा, और जितना कर्म का बंधन शिथिल होगा उतना हमारा चिंतन, जिज्ञासा, मुमुक्षुता अपने आप बढ़ेगी। इसीलिए
कर्म के प्रति ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका पूरा सार निकला। अच्छा, और जब इस प्रकार से व्यक्ति इस कर्म के चक्कर से अपने आप को उपरत कर लेता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है और फिर ऐसा व्यक्ति अपने आप भगवान के नियम के अनुसार साधु संतों के संग में आने लग जाता है। और जब हम साधु संतों के संग में आकर के भगवान में एकाग्रता से मन होकर के रहने लग जाते हैं तो हृदय में ज्ञान और वैराग्य इन दोनों का अब बढ़ना शुरू हो गया। जितनी ज्ञान की परिपक्वता होती है उसी ज्ञान के परिपक्वता को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का तात्पर्य किसी को छोड़ छाड़ देना नहीं है, वैराग्य का तात्पर्य है आज तक इस जगत में कोई भी चीज कोई भी वस्तु हमारी नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेगी, इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करना उसको कहते हैं वैराग्य। एक बार ये बात समझ में आ जाए तो इसी जगत में रहेंगे लेकिन इस जगत के द्वारा अब प्रभावित नहीं होंगे। ये है भगवान के भक्ति का और संतों के संगत का परिणाम। उसके बाद कहते हैं कि हे राजर्षि, जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्तिभाव से भगवान की कथाओं का आश्रय लेता है उसके हृदय में धीरे 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 भगवान की भक्ति बड़ी दृढ़ हो जाती है। और जहाँ भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाती है तो हमारी कंपनी अपने आप बदलने लग जाती है। अब आप लोग देखो, एक बार सत्संग में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है भगवान की ही दया से, उसके बाद फिर क्लबों में जाना और फिर दुनिया भर के चीज़ों में घूमना भटकना वो अपने आप बंद हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो अगल बगल का वातावरण है वो भी बदल जाता है। और साधु संतों के साथ रहने का तात्पर्य क्या है, साधु संत कौन है, यहाँ भागवत बताता है। साधु संत वो है जिनके साथ रहने से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है और जगत के प्रति वैराग्य सुदृढ़ होता है, ऐसे लोगों को साधु संत कहते हैं। और ये साधु संत कोई एक विशेष यूनिफॉर्म वाले नहीं होते, जैसे महाराष्ट्र पुलिस एक यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए, वैसे साधु संत ऐसा कोई नहीं होता। तो ये दो बातें देखनी है, जिसके संगत में जाकर के भगवान के प्रति हमारे हृदय में भक्ति जागृत होवे बढ़े और जगत के प्रति वैराग्य होवे, इन दोनों को जिसके द्वारा प्राप्ति होती है वो साधु संत है। और आगे बताते हैं ये इतने साधु संतों के साथ रहने का क्यों आपने बताया, तो कहते हैं कि कितने भी बड़े ज्ञानी हो, जैसे उन्होंने यहाँ नाम गिनाए कि प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरिशो मन हूँ, दक्षा दया प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादया मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर्वशिष्ठ इत्येते मदंता ब्रह्मवादिनः, ये इतने सारे साधु संतों के नाम गिनाए हैं, ब्रह्मा जी शंकर मनु दक्ष प्रजापति सनकादि ब्रह्मचारी मरीचि अत्र अंगिरा और पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और मैं माने नारद जी, ये सभी के सभी ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म के बारे में ही बोलते हैं और इतना सब होते हुए भी वो भगवान को अनात्म भाव से आज तक प्राप्त नहीं कर सके। कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान की प्राप्ति केवल आत्मभाव से ही होती है और आत्मभाव से भगवान की प्राप्ति के लिए सुदृढ़ साधन है भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति। और इसीलिए यदि हम सोचेंगे कि हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे वेदों को पढ़ेंगे तो ये बड़ा कठिन है, इतनी आसान बात नहीं है। कहते हैं शब्द ब्रह्मणी दुष्पारे चरंत और उर्विस्तरे मंत्र लिंग ही व्यवच्छिन्नम भजन तो न विदुहु परम। यदि कोई वेदों को पढ़ करके समझ करके सबकी सब चीज़ें फिर हम अपने जीवन में करेंगे तो ये इतनी आसान बात नहीं है। और इसीलिए अपने भगवान को पहचानने के लिए भजन कीर्तन के जैसा और कोई सुंदर मार्ग नहीं है। इसीलिए जितना हम भगवान का भजन कीर्तन करेंगे
यदा यम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। लोकों में और वेदों में हमारी प्रवृत्ति अपने आप कम होने लग जाती है जितना हमारे हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो गया। उसके बाद बरिश्मन को कहते हैं कि हे बरिश्मन, तुम अब ये जितने भी कर्म कर रहे हो, इस कर्मों को लेकर के अपने हृदय में और उसका विस्तार करने का प्रयत्न मत करो। देखो क्या हो जाता है कर्म के साथ, एक तो हम एक्सपांशन करते हैं, लेट अस टेक द वर्चुअल कैपिटल एंड गेट लॉस्ट वर्चुअली, पहली एक ये टेक्निक है, जितना चाहे बढ़ा लो और उसमें फंस जाओ। दूसरी टेक्निक ये है, अब जितना है उतना बहुत है, उसी को मेंटेन रखें और अपने जीवन की जो धारा है आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ाएं। और तीसरी टेक्निक ये है कि अब हमारा जगत से मन इतना उपराम हो गया है कि स्वयं ही अपने आप जितनी मिनिमम आवश्यकता है उतना करेंगे, सबके साथ वैसा ही रहेंगे, लेकिन अपनी जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति है अब वो गंभीर हो गई है। लोगों के लिए तो वही होगा, लेकिन ये जो अपना अंतर्मुखित्व है ये अपनी सब्जेक्टिव बात है, किसी को पता नहीं चलता। इस प्रकार से जब तक के हमारे बुद्धि में कर्म के प्रति परमात्म बुद्धि है, परमार्थ बुद्धि है, तब तक के हम ये कर्मों से छुटकारा नहीं पाते। और कर्म के बारे में कहते हैं कि तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञान अर्थकाशिषु मार्थ दृष्टिम कृथा श्रोत्र स्पर्शिषु अस्पृष्ट वस्तुषु। कर्म के द्वारा हम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग कहते हैं स्वम लोकम न विदुस्ते वै यत्र देवो जनादनः आहु धूम्रधियो वेदम स कर्म तत् अद्विदः, जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वो यही कहते हैं इस दुनिया में कर्म ही श्रेष्ठ है, पूरा जीवन कर्म में लगाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने तत्व को नहीं जाना और आत्मतत्व को नहीं पहचाना। इसलिए तुमने भी जीवन में यही किया है बर्हिष्मन, कहते हैं कि कौन सा श्लोक है 49वां, आस्तीर्य दर्भी प्रागग्रही कार्स्तेन क्षितिमंडलम स्तब्धो बृहद्मन बृहद्धामानी कर्म नावैषि यत्परम तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तत्मतिर्यया। तुमने कर्म करके करके अपने में बड़ा गर्व और अभिमान जागृत किया है। कर्म के साथ अभिमान जागृत होता ही है। हम आपको एक बात बताएं, एक बार हम किसी महात्मा जी के साथ थे और वहाँ कुछ काम चल रहा था, महात्मा जी ने बताया था कि ये लिखो, और उन्होंने दो तीन लोगों को लिखने के लिए बताया, और उतने में हम गए वहाँ नमस्कार चमत्कार करने के लिए। हाँ, कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या करते हो? तो हमने कहा हम ऐसे ऐसे हैं, करते कुछ नहीं, इसलिए आपके पास आए। तो बोले देखो कितने लोग बैठे हुए, सबको मैंने कर्म में लगाया, इतना काम करो तब सब कुछ होगा। तो उस समय हमने कहा हाँ कहा, ये हमारे दिमाग में फिर कीड़े घूमने लग गए, क्या ज़्यादा काम करना ये सफलता का लक्षण है कि अंतकरण की शुद्धि प्रसन्नता और स्वाभाविकता, ये सफलता का लक्षण है? जिसके हृदय में कर्म के प्रति महात्म्य होता है वो वेद के, उपनिषद के, भगवद गीता के सभी मंत्रों का अर्थ कर्म परक ही करेंगे। लेकिन इस कर्म के द्वारा ना आज तक किसी का उद्धार हुआ है ना होगा। और कहते हैं कि तुम कर्म करके बड़े उद्धत हो गए हो, उद्धत हो गए हो माने एरोगेंट हो गए हो। जितना व्यक्ति ज़्यादा कर्म करता है उसमें अभिमान जागृत है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक उदाहरण आपको बताऊँ, कहाँ का है, पंजाब का है शायद, एक सज्जन, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर्म किया, उसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, उसी से बढ़ करके धीरे धीरे बड़ा अच्छा किया, बिजनेस बढ़ाए।
ये सब होने के बाद भी उनके मन में दो पैसे की शांति नहीं। तो उन्होंने हमको पूछा कि स्वामी जी, हम बड़े विक्षेपित रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया हमको। तो हमने कहा कि अपने बिजनेस और बढ़ाओ और अपने जितने बच्चे वगैरह हैं उनको और निकम्मा बना दो। कब तक इसमें फंसे रहोगे? अपने बच्चों को बड़ा होने दो। देखो, ये जो माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों को पंगु बनाने का कार्य उनका होता है। पंगु कैसे बनाते हैं? जो बच्चा कितना भी बड़ा हो, उसको स्वतंत्रता से आगे नहीं बढ़ने देते। हर चीज हम करेंगे हम करेंगे, उसके द्वारा होता क्या है? एक बड़े वटवृक्ष के नीचे दूसरे पेड़ उगते नहीं, फलते नहीं, फूलते नहीं। तो जब तक के हम यह स्वातंत्र उनको नहीं देंगे, तब तक के हम उनके गुलाम बन करके रहेंगे। ये कौन करता है? ये वो व्यक्ति करता है, उसको लगता है कि मेरे किए बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही एरोगेंट उद्धत हो जाता है। तो ये बरिश्मन, तुम्हारा भी यही हाल हो गया है, और इसीलिए तुमने ना तो कर्म का रहस्य समझा है, ना तो उपासना का रहस्य समझा है। तो कर्म उपासना का रहस्य क्या है? ये जो श्लोकार्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध है भागवत महापुराण का। कौन सा अध्याय? 29वें अध्याय का 49वां श्लोक, उसकी जो दूसरी अर्धाली है, कहते हैं, तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन मतिर्यया। कर्म वो है जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होए। देखो, भगवान की प्रसन्नता किसमें है? हमारे कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, कैसा पता चले? पहली बात, अपने कर्मों के द्वारा हम प्रसन्न है या हम एक्साइटेड है, डिस्टर्ब है, एंग्री है, टेंस है। एक बार व्यक्ति को टेंशन में रहने की आदत हो गई ना, तो रिलैक्स रह ही नहीं सकता। इसका आपको उदाहरण लेना है तो अपने बंबई के रहने वाले लोग, जो लोग रेलवे के लाइन के बगल में रहते हैं या हाईवे के नज़दीक रहते हैं, तो सुबह से शाम तक के हमेशा नॉइज पोल्यूशन का लेवल एक स्टैंडर्ड हो गया है। जैसे अपने एयरपोर्ट के पास रहने वाले, जुहू वगैरह में रहने वाले लोग, जब तक ये घुर घुर हवाई जहाज का आवाज़ नहीं आएगा, उनको नींद नहीं आती। कारण क्या? एक विशिष्ट टेंशन में रहने की उनको आदत पड़ी है, और जिसको टेंशन में रहने की आदत पड़ी है वो रिलैक्स रह ही नहीं सकता। यही बात है कि यदि हमने कर्म किए तो उसके द्वारा भगवान प्रसन्न है कि नहीं, ये देखना है। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का टेंशन ना होवे। ध्यान से सुनना, परमात्मा के प्राप्ति के लिए भगवान पंचम अध्याय में कहते हैं भगवद गीता के, कर्म योग और कर्म का संन्यास, इन दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल कर्म ही करते रहना करते रहना करते रहना और फिर जाकर के ऐसे थक गए कि लेट गए, ये तो ठीक है KG1 KG2 में, जिंदगी भर यही करना है क्या? तो अपने जीवन में यह कर्म प्रवृत्ति और कर्म से निवृत्ति, इसका जब संतुलन बना रहेगा, तब जाकर के हमारे कर्मों से भगवान प्रसन्न है। तो तत्कर्म हरितोषम यत्, जिसके द्वारा परमात्मा प्रसन्न हो। और दूसरी बात, भगवान की प्रसन्नता किसमें है? भगवान कहते हैं फिर पंचम अध्याय के अंतिम श्लोक में, वहां कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, मैं यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूं। तो यज्ञ तपस्या का भोक्ता का अर्थ क्या हुआ? यज्ञ होता है जिसके द्वारा सबका भला हो, इस भावना का विस्तार हो, और तपस्या होती है जिसके द्वारा अपने त्याग की पराकाष्ठा हम पहुंच जाते हैं। क्या तपस्या ऐसी नहीं करते? कैसी? एक बार एक महात्मा जी किसी के यहाँ गए खाना खाने के लिए और बैठे, तो बाकी जो लोग बैठे थे उनको तो बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहे, गरम गरम पराठे और घी और सब कुछ खिला रहे, और ये जो बाबा जी बैठे थे
उनको सूखी जली मोटी रोटी खिला रहे और बाबा जी खा गए। और उसमें जब दूसरे सज्जन थे, उन्होंने देखा कि आपने बाबा जी को ऐसा खाना क्यों दिया, देखो महात्माओं का जीवन तपस्यामय होता है, उनको यदि अच्छा अच्छा खाना देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, तो उनकी तपस्या का ध्यान रख करके उनको खराब खाना देना है, ये तपस्या का अर्थ नहीं है। दूसरों को तपस्या नहीं करवानी है, तपस्या स्वयं करनी है, बड़ी आवश्यक बात है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसा, जब हम तपस्यामय जीवन स्वयं जीते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तो तपस्या करने के बाद जो आत्मसंतोष है उसमें परमात्मा की प्राप्ति है, और दूसरों की सेवा करने के कारण जो दूसरों को प्रसन्नता होती है उसके द्वारा परमात्मा का संतोष है। ये कहते भगवान, तत्कर्म हरितोषम यत, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो वही करे। ऐसा कर्म कौन सा हो सकता है? तीन प्रकार। जो परमात्मा हमारा स्वरूप है, उसी परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति यदि हो गई तो उसके द्वारा वही परमात्मा जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है वह प्रसन्न होगा। कैसे? बिजली का एक तार और बिजली का दूसरा तार, दोनों तार जब इकट्ठे हो जाएंगे और बीच में बल्ब आएगा तो उसमें प्रकाश की प्रसन्नता आएगी। उसी प्रकार से अपने हृदय में स्थित परमात्मा की अभिव्यक्ति ऐसी होवे कि जिसके द्वारा सभी के हृदय में रहने वाले परमात्मा प्रसन्न होवे, तब जाकर के परमात्मा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से हुई। तो कैसा करे, क्या करे? तो भगवान की जो हमारे माध्यम से अभिव्यक्ति है, तीन प्रकार से होनी चाहिए। पहली बात, स्वयं जिए दूसरे को जीने दे, अपने सत्ता का नाश की कल्पना न करें। देखो, हम भगवान का तिरस्कार मालूम है कब करते हैं, भगवान का अनादर कब करते हैं? जब अपने मरने की बात करते हैं तब। अपने स्वरूप में मृत्यु की दुर्गंध नहीं है। इस जगत में ना तो कोई मरा है ना तो कोई पैदा है, इसको ऐसा जबरदस्त पकड़ के रखो कि मरने का सवाल ही नहीं। जितनी ये बात दृढ़ता से हृदय में आएगी, आप देखेंगे पूरी अपनी विचारधारा बदल जाती है। नहीं तो किसी के देह को नष्ट होते हुए देखा, फिर वही कल्पना करके बैठे कि अब ये अपना भी नंबर आने वाला है। हाँ जी, अपने को देह मानते हो तो निश्चित नाश होगा, लेकिन क्या हम देह है? ये पूरे भागवत महापुराण का जो तात्पर्य है, ये इसको हमारे हृदय में बीजारोपण करने के लिए, जब तक के हम अपने आप को देह से व्यतिरिक्त नहीं समझेंगे और उसके अनुसार हमारा व्यवहार नहीं होगा, तब तक के हमारी आध्यात्मिक सत्संग की ये जो धारा है ये केवल नाटक मात्र है। ये तो कितने ही बार सत्संग किए और सभी महात्माओं को चैलेंज दिया, है कोई महात्मा हमारे देहात्म भाव को बदल डाले? देखो महाराज, उसमें से निकल जाओ, देयर इज नो वे आउट। और यदि इसको नहीं करेंगे तो दुखी, इसको करो तो सुखी, एक क्षण में सब बदल जाता है। इसीलिए पहली बात जो है परमात्मा की अभिव्यक्ति, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, स्वयं जिए और मृत्यु की कल्पना का कभी समर्थन ना करें। अपने मृत्यु को लेकर के कभी भी आदमी के मन में भय नहीं होता यदि हमारे माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। और दूसरी बात, दूसरों को भी हमारे कारण ऐसा भय ना होवे कि जिसके कारण वो डर डर के रहे। देखो भैया, एक बात बताएं आपको, यदि हमसे दूसरा डरता है तो ना तो हम में से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, ना तो जो डर रहा है उसमें परमात्मा प्रसन्न है। तो ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा स्वयं निर्भय होकर के रहे और किसी को भी अपना डर ना लगे, तब जा करके मजा आता है जीवन का। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि हम
हमेशा सतर्क सावधान रहे, कोई भी आकर के हमको धोखा ना दे सके और हम भी किसी को धोखा ना दे, क्योंकि हम ज्ञान की प्रतिष्ठा में हैं। तो ना तो अज्ञान का कार्य मोह अपने जीवन में आवे, ना तो अज्ञान का प्रभाव दूसरों पर हम डालें जिसमें हम किसी को धोखा दे रहे हो। यदि ये हुआ तो हमारे माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है और ऐसे कर्म जो होते हैं उसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। और तीसरी और सबसे महत्व की बात, स्वयं सुखी रहना, बी हैप्पी एंड लेट एवरीबडी अराउंड यू बी हैप्पी। ये एक चीज को पकड़ लो महात्माओं, आपकी साधना पूरी हो गई। और कुछ नहीं करना है जीवन में, बस यही एक करना है, स्वयं दुखी ना होवे, दूसरे के दुखी, दूसरे को दुखी ना करे, स्वयं प्रसन्न रहे और अपने कारण यदि किसी के मुंह पर 2 मिनट के लिए एक मुस्कान आती है तो समझ लेना आज का दिन सफल हो गया। और इससे ज्यादा कुछ जगत में प्राप्ति हो ही नहीं सकती। 3 बातें यदि हमारे कर्म के माध्यम से होगी तो उसके द्वारा अब भगवान प्रसन्न हो गए। इसीलिए तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया, और विद्या माने ज्ञान या उपासना। विद्या या उपासना वो है कि जिसके द्वारा हमारे अंतकरण में भगवान फिट हो जाए। यया विद्या तत् सा यया मतिर तत्, हमारे मति में, हमारे मन में, हमारे चित्त में भगवान नित्य निरंतर बैठे रहे। जैसे आप लोग आजकल कंप्यूटर खेलते हो तो उसमें एक होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट माने फॉल्ट नहीं होता हो, जानबूझ करके किया होता है, आप स्विच ऑन करो तो तुरंत वैसा आ जाता है स्क्रीन पर बिना कहे। उसी प्रकार से जीवन की कोई भी घटना, जीवन का प्रत्येक अनुभव, इसमें परमात्मा की स्मृति डिफॉल्ट से आनी चाहिए। ये यदि हुआ तो वह विद्या है, अन्यथा सभी के सभी अविद्या का क्षेत्र हो गया। इसीलिए तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिरेया, और हरि देह भृताम आत्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पाद मूलम शरणम यतः क्षेमो नृणामिह। इसीलिए सबके हृदय में निवास करने वाला जो हरि है, भगवान है, सबका नियंत्रण करने वाला है, स्वतंत्र है, उसके चरण कमलों का आश्रय लेना यही अपने जीवन में सबसे कल्याण का मार्ग है। जगत में किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को पकड़ने से कभी भी शांति नहीं मिलती, मिलती है शांति ऐसे अखंड अनंत तत्वों को पकड़ के रखो कि जो कभी हमको धोखा दे के न चला जाए। कि जगत के किसी भी व्यक्ति व्यक्ति को पकड़ो, आप किसी भी वस्तु को पकड़ो, उसमें धोखेबाजी है ही, ये उनका स्वभाव है। प्रकृति में विकृति होना ये उसका स्वभाव है, इसीलिए अविकृत जीवन जीना है तो प्रभु को पकड़ो। और सवई प्रिय तमश्चात्मा यतो न भयम अण्वपि इति वेद सवई विद्वान यो विद्वान स गुरुहु हरि। जो इस चीज़ को जानता है कि अपना जो आत्मस्वरूप है वो भय का कारण नहीं है और यही परमात्मा सबकी आत्मा है, इस प्रकार से जो जानता है वही ज्ञानी है और वही ज्ञानी गुरु है और वही गुरु साक्षात भगवान। धीरे धीरे कैसे भगवान ले जा, तो अपने हृदय में इस बात का कभी संदेह ना कि प्रभु ने हमारा कभी तिरस्कार किया, संभव नहीं। इस बात का कतई संदेह ना होवे कि हम जगत को पकड़ करके अपने काबू में रख सकते, जो पकड़ में नहीं आता वो जगत है और जिसका तिरस्कार नहीं हो सकता वो परमात्मा है। इस प्रकार से उनको बता दिया। और फिर नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे जितने प्रश्न थे उसका तो मैंने अत्र मे वेदतो वदतो गुह्यम निशामय सुनिश्चितम्।
अब मैं तुमको साधना की एक ऐसी सुंदर बात बताता हूँ जिसको ध्यान दे करके सुनो तो बड़ा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो क्या है, फिर एक वो एक रूपक बनाते हैं, एक पुष्प वाटिका है, क्षुद्रश्चरण सुमनसा शरणे मिथित्वा, एक क्षुद्र पुष्प वाटिका या जंगल कहो, वहाँ एक हिरण घूमने गया और वहाँ के सुंदर सुंदर जो कोमल घास के पत्ते हैं वो खाने में वह लग गया है और चारों तरफ से भौरे गुंजार रहे हैं और उसकी संगीत में वो और मस्त होकर के भोग में लगा हुआ है और उसके चारों तरफ ये जो भेड़िए होते हैं कूद करके खाने वाले हैं वो देख रहे हैं कि जब ये अपने पकड़ में आएगा एकदम कूद करके इसको खा जाएंगे और उसके पीछे एक काल का जो व्याध है उसका जो बाण है तीर है वो उसके पीछे लग के खड़ा है, अब इसको मैं मारने वाला हूँ। ये जो रूपक है इसमें हिरण के स्थान पर अपने आप को रख लो। कहते हैं अस्य अर्थः सो सुमनसर धर्मणा स्त्रीणाम शरण आश्रमे पुष्प मधु गंधवत क्षुद्रतमम काम्य कर्म विपाकजम काम सुखलवम। अब ये जो पूरा प्रसंग है आपका 54 वाला ये गद्य में लिखा है, पद्य में नहीं लिखा है, तो उसका तात्पर्य इस प्रकार से है कि हम उस हिरण के जैसे हैं। हिरण की क्या स्थिति है, उसको लग रहा है कि वो जिंदा है, उसको लग रहा है कि वो भोग कर रहा है, लेकिन चारों तरफ से उसके मृत्यु की तैयारी हो गई है, कब वो मरेगा इसका कोई भरोसा नहीं। उसी प्रकार से हम लोग इस जगत में भोग में इतने लिप्त रहते हैं चारों तरफ से, ये एक एक दिन जो जा रहा है अपने जीवन का ये भेड़ियों के जैसा है और कब ये काल का बाण आकर के हमारे हृदय का छेदन करेगा इसका हमको पता नहीं। इसीलिए सबका कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपने आप को अब इस जगत से हटा करके अंतर्मुखी बनाएं। अंतर्मुखी बनाने का फिर से मैं दोहराता हूँ, तात्पर्य ये नहीं है सब छोड़ छाड़ करके बाबा जी बनो, प्लीज़ बाबा जी मत बनना, मेरे मार्केट का सवाल है, जहाँ है वहीं रहो, बाबा जी बन करके किसी का आज तक भला नहीं हुआ, भला हुआ है भगवान का नाम लेकर के, उनको अपने हृदय में नित्य रूप से रखें, हमेशा उन्हीं का चिंतन चलता रहे। जितना भगवान का चिंतन हृदय में स्वाभाविक चलता रहेगा उतना बाहर के जगत को लेकर के मन में विक्षेप कम आएंगे। हृदय में जगत के बारे में विक्षेप आने का कारण यही है कि हमारे हृदय में परमात्मा को स्थान नहीं है, इसलिए तो अपने आप को अंतर्मुखी बनावे और जहाँ ये दुनियादारी की चर्चा होती है वहाँ से अपने आप को हटा लो। आप में मुझे पूरा विश्वास है जिन्होंने ये अंतर्मुखित्व जागरूक कर लिया हो अब उनको दुनियादारी की बातों में मज़ा नहीं आता। समझो कहीं शुरू भी हो जाती है बात तो एक दो मिनट खैर बोल लिया वगैरह, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि फिर क्या गंदगी हम कर रहे हैं, छोड़ो उसको, और तुरंत वो बात आधी हो या पूरी हो उसका हम तिरस्कार करते हैं। यही लक्षण है अपने हृदय में भक्ति की जागृति का। जब तक जगत की चीज़ों में विषयों में आनंद आने लग जाता है तब तक ये भगवत की भक्ति जागृत नहीं हुई। ये होने के पश्चात अब प्राचीन मरही राजा ने नारद जी से पूछा कि आपने जो मुझे कहा कर्म के बारे में ये बात तो मुझे किसी ने बताई ही नहीं थी। जो जो पुरोहित पंडित लोग आकर के हमको कहते हैं अमुक यज्ञ करो, अमुक प्रकार का दान करो, अमुक प्रकार का धर्म करो, इसी के द्वारा आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी वगैरह वगैरह, उन्होंने तो हमको आत्म तत्व के बारे में कभी बताया ही नहीं। देखो जो हमको कर्म में प्रवृत्त करके कर्म से कुछ प्राप्त करवाना चाहता है उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं। हमने आपको पिछले बार बताया आज फिर बताते हैं, यदि हमारे हृदय में भगवान के भक्ति के प्रति सर्वश्रेष्ठ स्थान हो
तो जो भी हमारे अगल बगल में आएंगे उनको हम क्या बताएंगे, कैसे भगवान की भक्ति अपने अपने हृदय में बढ़ाओ, क्योंकि वही हमारे हृदय में सर्वोच्च वस्तु है। यदि हमारे हृदय में कोई दूसरी वस्तु सर्वोच्च है, पैसा इकट्ठा करके सकुल बनाना है, अब पैसा इकट्ठा करके सकुल बनाने का संकल्प हमारे हृदय में सर्वश्रेष्ठ है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो भी बातचीत होगी उसमें उसका जो भला है वो हम नहीं सोचेंगे, हम देखेंगे कि अपना संकल्प इनके माध्यम से किस प्रकार से पूरा हो सकता है। इसीलिए महाराज अपने हृदय में भगवान के भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान, यदि ये नहीं होगा तो हम जगत के ही बारे में करते रहेंगे, और उसके बाद मालूम है क्या करते हैं, हम अपने आप को भगवान के सेवक करके उन्हीं की तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखो भैया, जगत के उद्धार का काम हमको करना नहीं है पहली बात, फिर क्या करना है, जगत की सेवा करनी है। जिसने जिसने जगत के उद्धार का काम किया है उसका तो उद्धार हो गया, जगत ज्यों का त्यों है, जिन्होंने जगत की सेवा के लिए हाथ में कार्य लिया है उन्होंने अपने आप को पवित्र शांत रखा है। इसीलिए ये जो दुनिया भर की काम बढ़ाना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये आध्यात्मिक लक्षण नहीं है। हमको इसके बारे में हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात हमेशा याद आती है, बहुत पुरानी बात है, शायद 20 साल हो गए। उन्होंने हमको कहा था, हम वृंदावन में गए थे उस समय, तो 2-3 दिन रहे, हमने कहा स्वामी जी हमको जाना है और लेक्चर विक्चर के लिए हमारे कहे प्रवचन है, तो बोले छोड़ो क्या प्रवचन है, वेदांत की निष्ठा होने के बाद धर्म प्रचार का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांत बताता है सब में एक परमात्मा है, तो फिर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ये झगड़े वेदांत के निष्ठा वाला कभी समर्थन कर ही नहीं सकता। एक तो साइड में हम कहें सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा एक्सेप्ट मुस्लिम्स, ये कौन सी ज्ञान की बात है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं इसका हमको कुछ लेना नहीं है। हमको कई बार प्रसंग आता है जाने का अनेक हिंदू संस्थाओं में, अभी हम गए थे 2-3 जगह, तो वहाँ एक ही चीज को लेकर के इतने विक्षेप के साथ कार्य होता है कि कैसा हम अपने धर्म की रक्षा करें, पर उसको लेकर के फिर कुछ भी करने को तैयार, यह द्वेष से प्रेरित जो धर्म की रक्षा है उसके द्वारा धर्म का नाश होता है, रक्षण नहीं होता। अपने हृदय में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष की भावना जागृत ना हो, जिसके हृदय में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित है वो समाज की सेवा नहीं कर सकता, वो समाज का नुकसान ही करता। तो इन लोगों ने हमको बताया नहीं, और इसीलिए अब हम आपसे पूछते हैं, हमको ये बताइए कि आदमी तो देह से कर्म कर रहा है, अब ये प्रश्न है प्राचीन वर्ष के, आदमी तो देह से कर्म कर रहा है लेकिन ये देह को त्याग करके चला जाता है, तो उसको जो अगले जन्म में सुख दुख कर्म फल के या कर्म करने के लिए देह मिलता है उसके साथ तो इसका कोई संबंध नहीं है, इस जन्म का देह और अगले जन्म का देह इसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए ये कैसे कह सकते हैं कि इस देह में किए हुए कर्मों का फल हम दूसरे देह में जाकर के भोगते हैं, क्योंकि ये देह तो खत्म हो गया, तो कैसे संभव है, ये प्रश्न एक है। और दूसरा उनका प्रश्न है कि जो हम कर्म करके यहाँ से चले जाते हैं और वो जो कर्म है, अभी एक कर्म हमने किया उसी समय वो समाप्त हो गया, अदृष्ट हो गया, तो ऐसे जो अदृष्ट कर्म फल है वो किस प्रकार से जीव को या हमको बाद में मिलते हैं, ये दो प्रश्नों का हमको उत्तर दीजिए, और इसको लेकर के नारद जी बताते हैं। अब यह
एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, कर्म का फल कैसा प्राप्त होता है, कौन कर्म करता है, यह विचार यहाँ बताने जा रहे हैं। कहते हैं श्री नारद जी, नारद वाज येन एव आरभते कर्म तेन तेन एव अमुत्र तत्पुमान भुंक्ते ही अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। हम जो कर्म प्रारंभ करते हैं, कर्म प्रारंभ होता है अपने सूक्ष्म देह के साथ, बिना संकल्प के जो कर्म है उसको कहते हैं विकृति। जैसे हमारा डाइजेशन अपसेट हो गया तो ये कर्म थोड़ी है, ये तो प्रकृति में आई हुई विकृति है, पर इसीलिए इसके द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई भी कर्म करना हो, चाहे पूजा करनी हो, चाहे किसी प्रकार के यज्ञ हवन करना हो, तो पहली बात भगवान का स्मरण करने के बाद हमको पुरोहित लोग क्या कराते हैं, हाथ में चावल देंगे, थोड़े पानी डालेंगे, पुष्प देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि चलो अभी हम लोग संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने में पहले अपना स्थान, अपना नाम, अपना गोत्र और संकल्प में हम किस लिए ये कर्म कर रहे हैं, उसका प्रयोजन ये बताने के बाद ये कहते हैं कि अमुक अमुक कर्म मैं कर रहा हूँ, तो उसमें अपने कर्तृत्वाभिमान को जागृत किया जाता है। कर्तृत्वाभिमान की जागृति है, ये होती है लिंग देह में, सूक्ष्म देह में। स्थूल देह के द्वारा किसी भी प्रकार के कर्म नहीं होते, कर्म होते हैं सूक्ष्म देह के द्वारा। इसीलिए ये जो मन प्रधान लिंग देह है उसी की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, और जब वो एक देह का त्याग करके दूसरे देह में प्रवेश कर लेता है तो उसका भोग करने वाला भी वो देह नहीं होता, वह सूक्ष्म शरीर ही होता है। आप देखो इसको यदि समझ लो तो हमारा अपने देह के प्रति, स्थूल देह के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा, और फिर हमारा ध्यान चलेगा अपने सूक्ष्म देह के प्रति, जिसके माध्यम से हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। इसीलिए ये कल्पना नहीं करना, ये कल्पना मालूम है किसकी है, ये कल्पना है चार्वाक लोगों की। उनका कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में आए हैं तो खाओ पियो मौज करो, और जब देह भस्मसात हो जाएगा, जल जाएगा, तो सिनेमा खत्म। किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, किसने देखा है अगला जन्म, ये तो सब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। बस खाओ पियो मौज करो, ये जो टिपिकल मटेरियल व्यू है उसको कहते हैं चार्वाक। चार्वाक का तात्पर्य चारुवाक, तो उसका जब संधि करो चारवाक बन जाते। चारु माने सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, वो वाणी जो सुनने के लिए बड़ी अच्छी है, देखो कितना अच्छा है, खाओ पियो मौज करो, डोंट केयर फॉर एनीबडी, एवरीबडी इज बॉर्न सेपरेटली डाइज सेपरेटली, हू केयर्स, ऐसा जो विचार है ये अत्यंत भौतिकवादी विचार है। तो वो लोगों को बताने के लिए यह प्रश्न उठाया है कि हम स्थूल देह से कोई कर्म नहीं करते हैं, करते हैं केवल अपने सूक्ष्म देह से। ये बात सिद्ध करने के लिए अब वो उदाहरण देते हैं, जैसे 61वें श्लोक में जब हम सपने में होते हैं तो सपने में हमने अपने स्थूल देह का अभिमान छोड़ दिया होता है, और वहाँ हम केवल सूक्ष्म देह के साथ रह करके अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों की कल्पना करते हैं, और ऐसा ऐसा कर्म करते हैं कि जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं हो सकती। तो सपने के सभी प्रकार के कर्म और उसके जो अनुभव है उससे लेकर के स्पष्ट समझ में आता है कि ये स्थूल देह के पीछे सूक्ष्म देह नाम की वस्तु है, और यही सूक्ष्म देह अच्छे बुरे कर्म करता है और उसके लिए संकल्प करता है, और इसीलिए यह जो लिंग देहधारी जीव है यही एक देह से दूसरे देह में जा करके उसका पुनर्जन्म हो करके वो वहाँ सुख दुख के अनुभव करता है। इसलिए
ये मत समझ लेना कि ये देह का समापन हो गया तो सिनेमा खत्म। नहीं, इस देह में जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसके कर्म फल के लिए अगला जन्म गारंटी से मिलेगा। यदि देखो अभी महत्व की बात, यदि इस सिद्धांत को हम स्वीकार ना करें तो क्या होगा? तो अभी जो हो रहा है वो होगा। कौन सा? हम अपने जीवन के दुखों के लिए दूसरों को बदनाम करते हैं, एक तो ये जारी रहेगा, और दूसरी बात हम अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए इस जन्म में अपने आप को ठीक से धर्म के मार्ग से प्रवृत्त नहीं रखेंगे। जहाँ अपने जीवन में धर्म प्रवृत्ति का नाश हो गया वहाँ उस व्यक्ति का जीवन पशुतुल्य हो जाता है और फिर उसी के अनुसार उसका अगला जन्म है। यदि ये हमने स्वीकार किया है तो तुरंत सब बदल ही जाएगा। हम अपने जीवन में किसी को अपने दुख का कारण नहीं बताएंगे तो अपने आप अंतर्मुखी होंगे। और दूसरी बात, जब हम अपने अगले जन्म को ध्यान में रख करके इस जीवन को नियंत्रित रखेंगे तो अपने आप मन शांत रहेगा और ऐसे शांत पवित्र मन में ही परमात्मा के प्रति भक्ति और तत्व जिज्ञासा जागृत हो सकती है। इसीलिए ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है जीव को लेकर के हमको योग्य प्रकार से मार्ग में चलाने का है। लेकिन इस सिद्धांत का हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कौन सा अर्थ निकाल लेते हैं? अब मैं मरने वाला हूँ, पता नहीं अगला जन्म किसका मिलेगा। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि पिछले जन्म में भी मैं था, इस जन्म में भी हूँ, अगले जन्म में भी रहूँगा, इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। ये इसका अर्थ है। देखो, भगवान की माया से जीव की जो माया है उसको भगवान भी नहीं समझ सकता। तो जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए शास्त्रों में, उन सिद्धांतों का जब हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं तब इसी में फंस जाते हैं। इतना होने के पश्चात अब आगे बताते हैं, मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शमशति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। इसीलिए हमारा जो मन है यही हमारे पूर्व जन्म और पश्चात जन्म या जन्म नहीं होने वाला है इसका निर्णायक है। एक जगह भागवत में कथा ही हम लोगों ने देखी है, शायद द्वितीय या तृतीय स्कंध में, मनुष्य के स्वभाव से पता चलता है कि ये मनुष्य अभी अभी कहाँ से आया है, इस जन्म में कहाँ से आया है। जैसे कोई आदमी शराब खाने से आया हो, हम जहाँ रहते वहाँ एक हाईली स्पिरिचुअल आदमी है, जब भी आता है स्वामी जी बाबा जी सब ठीक आ गए सब, तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं अमुक अमुक स्थान से आया हूँ, अपने आप उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि ही हैज कम फ्रॉम ए टेम्पल, स्पिरिचुअलिटी का टेम्पल। अच्छा महाराज, उसी प्रकार से जो व्यक्ति नित्य निरंतर प्रसन्न शांत तत्व का चिंतन भगवान की बातें स्वाभाविक करता है तो वो पिछले यानी इस देह के प्राप्ति के पूर्व स्वर्ग में था। और जो सुबह से शाम तक बार्किंग रहता है, इसको काट उसको वो आता है इस देह के प्राप्ति के पूर्व नरक में था, क्योंकि नरक में चारों तरफ उसके ऊपर में केवल वही बातें, इधर से कुत्ते नोच रहे हैं, उधर से गीदड़ आ रहे हैं, उधर से सांप काट रहे हैं और उसको मारा जा रहा है, उसके पकोड़े बनाए जा रहे हैं, ऐसे भोग भोगते 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 उस जीव में वैसा स्वभाव बन जाता है। और जब उसके पाप क्षीण हो गए नरक की यातना भोगने के बाद, लेकिन उसका स्वभाव बन गया, और स्वभाव बनने के बाद जब वो फिर इस मनुष्य देह में आता है तो फिर उसका जो मन है उसी के अनुसार चलता रहता है। उसी प्रकार से अगली बात करो, उसी प्रकार से हमारे मन की अवस्था के अनुसार हमारा अगला कौन सा जन्म प्राप्त होने वाला है,
और या हमको जन्म प्राप्त नहीं होने वाला है, यह अपने मन के स्थिति पर अवलंबित है। देखो महाराज, मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शमसति भविष्यतः च भद्रम ते तथैव च न भविष्यतः। यदि ये बात स्पष्ट समझ में आ गई तो अब देखो अपना ध्यान कहाँ रहेगा। तब अपना ध्यान हमेशा रहेगा जगत के साथ जो भी व्यवहार हम कर रहे हैं, वो सभी का सभी व्यवहार करते समय ध्यान रखना है अपने अंतःकरण की शुद्धि, मन का पवित्र। जिसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र प्रसन्न है, उसने अपने भूतकाल को पूर्ण रूप से भूल गया। भूतकाल के भूत के साथ एक ही संबंध रख सकते हैं, उसको भूल जाओ, उसको पकड़ करके कुछ नहीं हो सकता। हम अपने भूतकाल को कभी भी सुधार नहीं सकते। अभी मुझे कल परसों एक ईमेल आया, उसमें ये लिखा, स्वामी जी आई एम अनेबल टू फॉरगेट माय पास्ट, व्हाट शुड आई डू, आई कैन रिमेंबर एंड सफर। जब निश्चय करो कि जीवन में चाहते क्या है, हम यदि दुख चाहते हैं तो भूत को सर पे लेके नाचो। जिनको भूत चढ़ता है ना, आपने देखा होगा कैसे नाचते हैं, उसी प्रकार से हम सभी के सभी अपने भूतकाल को ले करके, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा था, मैं वहाँ था, पहले चने बेचता था, अब चने खाता हूँ। नारायण कब तक के भूत की बातें करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी मजे की, कौन सी मजे की बात है, बात ये है हमारी वेदांत की बात कोई नहीं सुनता, और छोटी मोटी बातें वो भी नहीं सुनता, और फिर भी देखो हम डटे हैं। हम डटे इसलिए क्योंकि कम से कम जब हम वेदांत का चिंतन करेंगे, हम प्रसन्न रहने का अभ्यास करेंगे, आपका भला ना हो क्या फर्क पड़ता, अपना तो भला हो रहा है। देखो भैया, इस जगत में रहते समय सिर्फ एक ही वस्तु की तरफ ध्यान देना, अपने मन के शांति को नहीं बिगड़नी, ये बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने ऊपर तरस खाता है वो महापापी है, उससे बढ़कर के जगत में और कोई पापी नहीं है। अपने ऊपर तरस मत खाओ। अपने ऊपर तरस खाना माने आप अपने स्वरूप में उपलब्ध परमात्मा का अनादर करना। हमको रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु हमारे नित्य निरंतर साथ है। हम क्यों इस जगत में ऐसे भिखारी के जैसे मुंह लटकाए हुए रहे, नहीं। इसीलिए मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शमसति, अपने मन का ख्याल रखो बाबा। और इसी से लेकर के हमको पता चलता, कई बार हमको यह सपने में ऐसी विचित्र बातें दिखती है कि जिसका कभी हमने अनुभव ही नहीं किया था। तो ये कहाँ से आती है बातें, ये बातें आती है इस मन के कारण। इसीलिए हमारे सपने में जो असंभव बातों का हमको दर्शन होता है, वो सभी का सभी अपने मन का विक्षेप है। और इस प्रकार से सपने में हमने अच्छे अच्छे भोग कर लिए या बुरे भोग कर लिए, सपना खत्म हो गया, ना रहा भोग ना रहा वस्तु। यही बात सत्य है इस जागृत अवस्था की, भोगों की और वस्तु। इसीलिए जो जो जीव है वह इस भोगों के साथ वस्तुओं के साथ रह करके अपने आप को अच्छा बुरा समझने लग जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को भगवान में लगाया है, अब देखो ये सपने का दूसरा अर्थ हम बता रहे हैं, लेकिन जिसने अपने मन को भगवान में लगाया है और उसको यदि अपने सपनों में भगवत दर्शन होता है तो वो कल्पना नहीं है। ध्यान से सुनना, सुवर्ण को नेकलेस कहना, कुंडल कहना, ये कल्पना है, लेकिन सुवर्ण को सुवर्ण कहना ये कल्पना नहीं है। मन को जब अनात्म भाव से जान करके
भोग बुद्धि जागृत हो जाती है तो वो मन की कल्पना है, और उसी मन में भगवत भाव जागृत हो जाने से, समर्पण का भाव जब जागृत हो जाता है, जब हमको भगवान का सपना आता है, हमको तो कभी आया ही नहीं सामने, तो सिनेमा का जो भगवान था ना कैरेक्टर उसको याद करते हैं, छोटे थे सिनेमा का कैरेक्टर का भगवान। तो जब हमारे सपने में भगवान का दर्शन होता है, उस समय भोग मुक्ति और भोग भावना कभी नहीं होती। इसलिए अपने मन को शुद्ध करने के बाद जब भगवान के भक्ति से प्रेरित होकर के जीवन जीते हैं, तो उस समय यह जो भगवान नित्य उपलब्ध है, उस नित्य उपलब्ध भगवान का दर्शन होने लग जाता है। इसीलिए शुद्ध तत्पर में जो सपना है वह रूप है, अन्यथा हमको ये कहना पड़ेगा कि हमारे तुकाराम महाराज को उनके गुरु ने सपने में आकर के मंत्र का उपदेश किया, तो सपने का गुरु मिथ्या, मंत्र मिथ्या, और उसके द्वारा जो साधना करी वो परमात्मा मिथ्या, और हम वेदांत की मात्र करते हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए आप जो भक्तिहीन वेदांती है, उनके सामने कोई सपने की बात लेके जाओ तो कहेंगे ये सब भी क्या छोड़ो इसको, ये बात गलत है। इसलिए अपने सपने में साधु संतों का आना, भगवान का दर्शन होना, ये सत्य प्रत्यय है। और अपने सपने में दुनिया भर की चीज़ें आना और मन का क्षेपण है। अच्छा महाराज, ये जो नित्य उपलब्ध परमात्मा हमको क्यों नहीं नज़र में आता, नज़दीक होते हुए भी? इसीलिए कि हमारा जो मन है यह मल और विक्षेप के द्वारा इतना प्रभावित है कि उपलब्ध होते हुए भी उसका हमको दर्शन नहीं होता, और इसी मल और विक्षेप के कारण यह जो 17 या अपने लिंग देह को बताने के 3-4 तरीके हैं, इसलिए 17 कहने के बाद मैं रुक गया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और अंतकरण, ऐसा कहो तो 16 तत्व का लिंग देह बना। दूसरी प्रकार से कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, तो 17 तत्वों का लिंग देह बन गया। फिर कहेंगे कि 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 को लेकर के करेंगे तो 19 तत्व का लिंग देह कहेंगे, तात्पर्य सबका एक ही। तो ये जो लिंग देह इन सब का बना हुआ है, और इसके कारण ये देह में, स्थूल देह में, ये देह मेरा है और मैं देह हूँ, ये भावना करता है। अब ध्यान से सुनना, ये विषय दुर्दृश्य विवेक में भी आता है, बड़ा सुंदर आता है वहाँ भी। जैसे जब तक के दर्पण है और उससे बिंब को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है, तब तक के हम जब भी दर्पण के सामने जाएंगे उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा ही, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये निवारण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब तक के लिंग देह है, लिंग देह का स्थूल देह के साथ तादात्म्य होना स्वाभाविक है, लिंग देह स्थूल देह के सिवा नहीं रह सकता, और जब तक के स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होगा, इस स्थूल जगत की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसीलिए शायद इसी में बताते हैं, या हाँ इसी में आगे जाके बताएंगे, जिस प्रकार से एक जो ये कैटरपिलर होता है वो समझो पत्तों पर चल रहा है,
तो जब तक के अगला पैर कहीं फिक्स नहीं कर लेता तब तक के पिछले पैर को नहीं उठता, और फिर पिछले पैर को वहाँ रखेगा और फिर अपने अगले पैरों को उठाएगा और जहाँ दूसरे जगह लगाएगा फिर पीछे उठाएगा। उसी प्रकार से ये लिंग देह जब तक के अगले देह का आकार फाइनली धारण नहीं करता तब तक के इस देह का त्याग नहीं करता। इसीलिए यह जो लिंग देह है ये जब तक के बना हुआ है तब तक के देहात्म भाव समाप्त नहीं होता। तो करना क्या है, जब तक के दर्पण सामने है उसके सामने जाकर के चिड़िया बैठेगी, चूड़ी खनकेगी, और जब चिड़िया वहाँ बैठेगी तो वो जाकर के उसके ऊपर में अपने चोंच से मारेगी, उसके बाद उसके मुख से खून निकलेगा। उसको यदि बंद करना है चिड़िया को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। हे चिड़िया, जिसको तुम स्वयं समझती हो वो तुम्हारा केवल प्रतिबिंब मात्र है, क्योंकि ये बात शास्त्र हमको बता करके हार गए। तो चिड़िया क्या समझेगी हमारी बात। तो करो क्या, वहां से दर्पण को हटा डालो, लेकिन वो फिक्स्ड है डिपॉजिट के जैसा, तो उसके ऊपर में एक कोई पर्दा डाल दो। उसी प्रकार से अपने सूक्ष्म देह को या तो नियंत्रण में ले आओ और यह देहात्म भाव कम करने की प्रतीक्षा करो, साधना करो, या तो दूसरा तरीका यह है इस लिंग देह को नष्ट कर डालो। लिंग देह को नष्ट करने का जो साधन है उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग, और इस लिंग देह पर ढक्कन डालने का जो मार्ग है उसको कहते हैं योग मार्ग और भक्ति मार्ग। इसीलिए महाराज, जब तक के ये लिंग देह बना रहेगा तब तक के मैं और मेरा ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। आगे बताते हैं, जब हम सपने में प्रवेश कर लेते हैं और स्थूल देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं रहता, फिर भी मैं और मेरे पने का जो सिद्धांत है, तत्व है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे ये उदाहरण ले लीजिए, दर्पण के ऊपर में हमने कपड़ा डाल दिया और फिर सामने जाकर के खड़े हो गए तो हमारा उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, ठीक बात है, लेकिन उस दर्पण में जो प्रतिबिंबित करने की क्षमता है वो क्षमता कभी नष्ट नहीं होगी। उसी प्रकार से सपने में जब हम गए तो भले हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य ना करें, लेकिन वहाँ सपने में स्वप्न देह के साथ तादात्म्य करके वहाँ भी हम सुख दुख का अनुभव करते ही है। हमारा जो त्रिपुरा रहस्य नाम का ग्रंथ है उसमें तो एक स्टेप और आगे जा करके बताते हैं, त्रिपुरा रहस्य योग वाशिष्ठ, यहाँ जो तत्व का प्रतिपादन हुआ है उसकी प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है, बड़ा मज़ा आता उसमें भी। इतनी सारी प्रक्रियाएँ क्यों, एक ही प्रक्रिया क्यों नहीं, रोज़ रोज़ इडली खा के दिखाओ, साउथ इंडियन हो तो भी गुस्सा आएगा। उसी प्रकार से रोज़ एक ही प्रकार से हाँ, नित्य निरंतर नूतन पद्धति से तत्व को पकड़ो, उसी में आनंद है, अन्यथा बुद्धि जो है एकदम डल हो जाती है। तो वहाँ बताते हैं त्रिपुरा रहस्य में, असल में जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था ये भिन्न नहीं है, क्योंकि जागृत अवस्था में रहते हुए जैसे हमको ये अनुभव आता है कि ये जागृत अवस्था है, उसी प्रकार से सपने में रहते समय भी हमारा अनुभव यही है कि यही जागृत अवस्था है। उसका हम तिरस्कार करते हैं कि वो सपनावस्था थी, कब, जब जागृत में आएगी तब। लेकिन जिस समय स्वबोध है सत्यवत भांति आत्मबोध में आता है कि जिस समय हम सपने का अनुभव करते हैं उस समय ये सपना है ये कभी समझ में आता ही नहीं। जिस दिन
सपने को हम सपने के रूप में समझ कर के देखेंगे, उसी दिन हम जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? इस जागृत जगत में रहते हुए जैसे हम सपने के लाभ हानि के द्वारा प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार से जागृत में रहते हुए जागृत के लाभ हानि के द्वारा सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होगे, तब उस अनुभूति को कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद। इसीलिए महाराज, यह जो मैं और मेरेपन का अभिमान है, ये अभिमान तीनों अवस्था में बना रहता है। जागृत अवस्था में भी बना रहता है, उस समय हम वेकर या विश्व बन जाते हैं। वही अभिमान स्वप्नावस्था में बना रहता है, वही अभिमान के कारण हम तेजस या ड्रीमर बन जाते हैं। और वही अभिमान सुषुप्ति अवस्था में बना रहता है, वहाँ इस अभिमान के कारण ही हम अज्ञान के साथ तादात्म्य करके अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। इसीलिए यह जो लिंग देह है, ये तीनों स्थानों में काम कर रहा है। जागृत अवस्था में काम करके इसमें जो अभिमान की शक्ति है उसके कारण स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया, वही लिंग देह इसमें जो अभिमान करने की शक्ति है उसके कारण सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य किया और वहाँ का अनुभव लिया। और यही लिंग देह की जो अभिमानात्मक शक्ति है वो अविद्या या अज्ञान के साथ तादात्म्य करके सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ के रूप में बर्ताव करता है। तो इसका मूल कारण क्या है? ये अभिमान की शक्ति, इसका हमको त्याग करना है। देखो महाराज, तो ये सब तब हो जाता है जब हमने अपने हृदय में एक ही तत्व का चिंतन रखा है और वो है भगवान परमात्मा। और धीरे धीरे जितनी भगवान की भक्ति बढ़ेगी उससे मालूम है क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था में हर व्यक्ति में, हर स्थान में, हर अनुभूति में हमको भगवान का स्मरण होगा। पहली बात, जितना जागृत अवस्था में परमात्मा का स्मरण अखंड बना रहेगा, उतने सपने में भी हमको परमात्मा का ही अनुभव होगा। हमको सपने में भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि जागृत अवस्था में दुनिया के साथ धूमधड़ाका शुरू रहता है, तो सपने में वही आएगा। एक पॉलिटिशियन को सपना कैसा आता होगा? हम बता दें, हम अभी वहाँ थे, अमृतानंद भैया माता जी के आश्रम में गए थे। वहाँ दिन में हमारे चार लेक्चर होते थे, 10 दिन का। तो दिन में चार लेक्चर माने 1.5 × 4, 6 घंटे। 6 घंटे 1000 लोगों के सामने बैठ करके कंटिन्यूसली चल रहा। एक लेक्चर ख़त्म हो गया, हम गए, हमारा कुछ काम किया, फिर दूसरा लेक्चर, फिर खाना खाए, फिर तीसरा लेक्चर, फिर थोड़ा चाय पिए, फिर चौथा लेक्चर, सुबह से कड़कड़ शुरू। हमको सपना मालूम है कैसे आता था? सपने में हम लेक्चर दे रहे हैं। और फिर जब सपने में लेक्चर चलता था, बीच में लेक्चर टूट जाता था, अरे मैं तो तीसरा अध्याय पंचदशी का पूरा किया हूँ, 5वें अध्याय में कैसे आ गया, ये गलती तो नहीं? और फिर देखा पुस्तक खोल करके, देखा कि सपना ही था, नेवर माइंड, फिर सो जाओ। उसी प्रकार से जहाँ जागृत अवस्था में अखंड भगवान का चिंतन स्मरण चलता रहेगा, स्वप्नावस्था भी परमात्मा अनुभूति से परिपूर्ण होने लग जाती है। जिसकी जागृत स्वप्नावस्था सुधर गई है, वही अपने कारण देह या अज्ञान से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए अब तैयार हुआ है। ऐसे व्यक्ति के हृदय से भगवान के द्वारा प्रदत्त बुद्धि के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम।
जो प्रेम से नित्य निरंतर सततम, सततम माने अखंड, जो अखंड मेरे भजन कीर्तन में रहते हैं। अखंड भजन कीर्तन कब होता है? जागृत और स्वप्न इन दोनों में। तो ऐसे साधक को, ऐसे भक्त को मैं बुद्धि देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये न ते माम उपयान्ति, जिस बुद्धि के द्वारा वो मुझे पहचान सकते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी बुद्धि के द्वारा हम जगत को पहचान सकते हैं। अगला आदमी बड़ा डेंजर से संभाल के रहे ना। अभी हम किसके यहाँ गए थे खाने के लिए, एक से इंट्रोडक्शन कराया, स्वामी जी ये जो है ये फेस रीडिंग एक्सपर्ट है, FRE, फेस रीडिंग एक्सपर्ट। तो दूसरे के तरफ देखा, उसको पढ़ लिया, क्योंकि वैसे बुद्धि को ट्रेन किया है। लेकिन जिसकी बुद्धि परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, उसी बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। इसीलिए साधनात्मिका भक्ति के द्वारा साध्य भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा ब्रह्मात्मक के बोध होने के पश्चात। तो और जब तक के ये अविद्या बनी रहेगी, जागर स्वप्न और यह सूक्ष्म देह का चक्कर चलता रहेगा, तब तक के जन्म मरण का चक्कर कभी छूटेगा नहीं और ऐसा ही बना रहेगा। और कहते हैं कि अब ये जीव कौन है, जीव की परिभाषा देते हैं 74वें श्लोक में, बहुत सुंदर परिभाषा है। एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्त जीव इत्यभिधीयते, उसको कहते हैं जीव, जीव इति अभिधीयते। तो यह 16 तत्व जो हमने बताए थे आपको, 16 कहो, 17 कहो, 19 कहो, बातें कहिए, ये 16 तत्वों से बना हुआ लिंग देह, और इस लिंग देह में परमात्मा की चेतनात्मक अभिव्यक्ति, तो ये तीन चीजों को मिला करके जीव बनता है। ध्यान से सुनना, केवल चैतन्य की जो प्रतिबिंब है उसको जीव नहीं कहते, केवल लिंग देह को जीव नहीं कहते, और केवल परमात्मा को जीव नहीं कहते, और परमात्मा की लिंग देह में जो अभिव्यक्ति है उसको भी जीव नहीं कहते। तो जीव किसको कहते हैं? इन सब चीजों को जब इकट्ठा कहेंगे तब उसको जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आदमी को जीव नहीं कहते, आदमी को पति नहीं कहते, जब तक के वो पत्नी के संदर्भ से बोला नहीं जाता तब तक। तो पति कहाँ है? पति है पत्नी के साथ। ध्यान से समझ लेना इसको, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि पत्नी के सिवा कोई पति होवे। उसी प्रकार से यह जो सूक्ष्म देह, उसके साथ फिर परमात्मा, फिर परमात्मा का प्रतिबिंब, और इसका जगत के साथ जो तादात्म्य है, ये सब मिला करके जो एक प्रक्रिया बनती है उसको कहते हैं जीव। इसीलिए जीव का जब चिंतन करेंगे तो कैसा चिंतन करें? तो ये जो जीव है लिंग देह के साथ तादात्म्य करके एक देह से दूसरे देह में जाता है, पहले उसको समझ लें। तो ये जो जीव है यह अनेन पुरुषा देह अनुपादत्ते विमुंचति हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विंदति। तो यह जो जीव है इस सूक्ष्म देह के साथ ही सुख दुख को प्राप्त करता है, भिन्न देह के साथ तादात्म्य करता है, और एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करके जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। किस प्रकार से? यथा तृणजलुकेयम न आपातयति च, जिस प्रकार से ये जो कैटरपिलर है एक तृण पर बैठी हुई है, तो जब तक के दूसरे जगह पकड़ती नहीं, पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से यह जो जीव है अपने इस देह को छोड़ने के पहले दूसरा आकार धारण कर लेता है, और फिर उसके बाद दूसरे शरीर के साथ तादात्म्य हुआ, और फिर उसमें रहेगा, फिर कर्मा करता रहेगा, अच्छे बुरे कर्म किए तो स्वर्ग नरक में गए और फिर मनुष्य देह में आए। इस प्रकार से यह कर्म का बंधन अखंड चल रहा है, इससे निकलने के लिए केवल एक ही उपाय है,
अतः तत् अपवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्चन तदात्मकम विश्वम स्थिति उत्पत्ति अप्ययायतः। इसीलिए इस कर्म के बंधन से चक्कर से छूटने के लिए केवल एक ही उपाय है, नित्य निरंतर प्रत्येक कर्म के द्वारा परमात्मा की तृप्ति होवे और प्रत्येक ज्ञान के द्वारा भगवान का स्मरण बना रहे। यही दो बातें हैं जिसके द्वारा हम इस कर्म के बंधन से छूट सकते हैं, माने हमारा जीवात्म भाव कम हो सकता है। ध्यान से सुनना, देहात्म भाव पहली अवस्था, जीवात्म भाव दूसरी अवस्था, साक्षी भाव तीसरी अवस्था, साक्षी स्वरूप चौथी अवस्था और ब्रह्मात्मैक्य बोध पांचवी अवस्था। इन पांचों में से हमको गुजरना है। तो जब तक के देहात्म भाव बना है, जैसा हम सब लोगों का अभी दिल्ली दूर है, अभी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मों के बाद भगवान की प्रति समर्पण होता है। भगवान के प्रति समर्पण जब नहीं होता तो हम देहात्म भाव से रहते हैं, इससे जब ऊपर उठ जाते हैं तो जीवात्म भाव को पकड़ लिया। जीवात्म भाव को जिसने पकड़ लिया है उसके जीवन में धर्म अधर्म का महात्म्य बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, पुण्य का संचय करेगा। लेकिन कर्म में आदमी जब बिजी रहता है, एक दिन अपने आप ऊब जाता है, ये कब तक के है, बेक बे बेदुड़े चार बेतिया छे इनफ। जब आदमी कर्म से उपरत होने लग जाता है तब उसके हृदय में यह तत्व का चिंतन जागृत हो जाता है, भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। तो फिर यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना, फिर अपने कर्मों के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते। देखेंगे आप, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे करोड़पति हो चाहे मिडिल क्लास आदमी हो, एक समय उसके जीवन में ऐसा निश्चित आता है कि सोचता है कि अब मैं जा करके समाज की सेवा करूं। ये जो विचार मन में आता है तब समझ लेना धीरे धीरे अब हमने अपने देहात्म भाव से उठ करके जीवात्म भाव में आ गए हैं। अच्छा, ये पूरा जीवात्म भाव नहीं है, इससे भी उठ करके जब आएंगे तब हमारा ध्यान भगवान की भक्ति और अपना उद्धार करने में लग जाएगा जीवात्म भाव। और जीवात्म भाव में रह करके जब भक्ति करेंगे तो उसके द्वारा हम अंतकरण शुद्ध होने के कारण साक्षी भाव को जागृत करेंगे, और साक्षी भाव की जो निष्ठा होगी वो होगी साक्षी स्वरूप, और साक्षी स्वरूप क्या है, ब्रह्मात्मिक के बोध। इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपनी साधना में आगे चलते हैं। इसलिए इस जगत का उत्पत्ति स्थिति प्रलय बनाने वाला जो परमात्मा है उसी के प्रति हम अपने मन को लगावे। इसके बाद ये जब सुन लिया तो मैत्री जी बताते हैं कि नारद जी ने सब बताने के बाद प्राचीन मरी को जो ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन हो गया और वह अपनी प्रजापालन का भार पुत्रों को सौंप करके कपिलाश्रम को चले गए, और वहाँ जा करके उन्होंने भगवान के भक्ति की तपस्या करी और भगवान के साथ एक हो गए। इस प्रकार से विदुर जी को बताते हैं मैत्रेय जी कि यह एतत् अध्यात्म पारोक्षम गीतम देवर्षिणा अनघ यहाँ श्रावेद यहाँ शृणुयात सलिंगेन विमुच्यते। तो इस ये जो आख्यान बताया है हमारे नारद जी ने परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से माने इनडायरेक्टली, ये जिसको जो सुनता है या सुनाता है उसका भी लिंग देह भस्म हो जाता है और फिर उसके जीवन में यह पाप पुण्य का चक्कर इत्यादि कभी नहीं रहता, वो इससे निकल जाता है। यही ज्ञान हम सभी लोग अपने गुरु के भगवान की कृपा से जीवन में प्राप्त करते हैं, और जो नहीं प्राप्त कर सकता वो एक जगत से दूसरे जगत में भटकते रहता है। उसके पश्चात जो प्रचेता लोग तपस्या करने के लिए गए थे उनका क्या हुआ, ये प्रश्न पूछा जाएगा।
और उसके उत्तर में प्रचेताओं ने कैसी अपनी तपस्या पूरी की और फिर उनको भगवान का क्या वरदान मिला और अगली कथा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।